करियर जो अब आने वाले निकट भविष्य में कभी हिंदुस्तान में होगा नहीं, तो बेहतर है फिर आप किसी और तरफ मुड़ जाइए, सरकारी नौकरी की तैयारी मत करिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में कभी बहुत बड़ी वैकेंसी अब मुझे नहीं लगता। यही वो समय है जो सही समय है, तैयारी करो तो उस टाइम पे करो जिस टाइम पे सब लोग नहीं कर रहे हैं, यही वो है, ये वो समय है। क्योंकि अगर जब सब लोग तैयारी करने लग गए तो फिर आप ही का क्यों होगा सिलेक्शन, फिर तो सबका ही होगा अगर आपने सबके साथ किया है तो, या किसी का भी नहीं होगा, वही तो हो रहा है। सिलेक्शन सिर्फ उनका हो रहा है जिन्होंने समय रहते तैयारी की, जिन्होंने बिल्कुल समय पर तैयारी की, यह समय नहीं रहा उस टाइम तैयारी की जिस टाइम पे सब कर रहे हैं, वो सारे ही रह जाते हैं, किसी का भी नहीं होता। बहुत बार आपने देखा होगा ना कि एक बच्चे का तो 10 जगह सिलेक्शन हो गया, या 4 जगह हो गया, 5 जगह हो गया, और एक का है कि कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि भैया उसने अपने आप को उस लेवल पे सेट कर लिया, उसने मैथ रीजनिंग जीएस इंग्लिश को या हिंदी को जो भी है साइंस को उसने अपना उतना स्ट्रांग कर लिया कि वो जहां भी बैठेगा हर एग्जाम निकलेगा, हर एग्जाम में यही तो आ रहा है। और आपने क्या किया कि आपके सब्जेक्ट पकड़ में ही नहीं आए, आप जहां भी बैठोगे हर जगह फेल हो गए, यही कारण है बस, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो भाई अपने सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनाइए, ये सही टाइम है एकदम। इन पे कितना पकड़ बना सकते हो, इन सब्जेक्ट्स को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सिर्फ आप ही के हाथ में। 15 अप्रैल को फॉर्म आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर 4660 वैकेंसीज हैं, आरपीएफ में इतनी कम वैकेंसीज है। भाई कम और ज्यादा उनको लगता है कि जो वास्तव में ये इस इंतजार में बैठे हैं कि मैं टाइम पे ही पढ़ूंगा। या ये बताओ जब आईएएस की वैकेंसी आती है, पीसीएस की वैकेंसी आती है, पता है कितनी आती है? 200-400 फिर भी। और वो कभी उनको अगर वो गलती से कभी 1000 आ जाए ना, क्योंकि भाई कितनी ज्यादा वैकेंसी आई है, अब क्या तो मेरा पक्का हो जाएगा। और उन्हीं का नहीं होता जो 1000 देख के खुश होते हैं, उनका ही नहीं होता कभी। ठीक है, अगर आप ये 4660 की जगह 40,000 को देखकर जो खुश होने वाले लोग होंगे ना, उनका कभी नहीं होगा। जो ये हिम्मत कर सकता है, जो ये तय कर ले कि भाई मुझे सिलेक्शन थोड़ी ना लेना है, टॉपर बनना है, मुझे रैंक हासिल करनी है, फिर उसके लिए 4660 तो बहुत ज्यादा है। किसी दिन ये यूपीएससी आईएएस वाली 4600 आ गई ना, तो हर एक बच्चा उसकी तैयारी करने लग जाएगा। ठीक है, इस बार तो आईएएस ही बन जाएंगे। तो भाई साहब ये 4600 आप सोच के देखो, ये कम नहीं है, और ये है, मान लिया मैंने कम है, तो क्या आप इसमें कुछ कर सकते हो? आपके हाथ में ये बढ़ानी, और जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसमें परेशान क्यों हो रहे हो? उसमें तो फिर एक ही चीज हमारे हाथ में है कि हम अपनी तैयारी कर अच्छी कर लें। तो भाई वो कर लो ना, जो चीज हाथ में वही कर सकते हो आप, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखें तो भाई यहाँ कांस्टेबल भी है, यहाँ सब इंस्पेक्टर भी है। सब इंस्पेक्टर 452 है, इसको भी कम कहने वाले कम कहेंगे, कहिए कोई बात नहीं है, लेकिन 452 अभी आरओ है, आरओ आई है यूपी में, जो बहुत बड़े पद बताए जा रहे थे, जो अभी कैंसिल भी हुआ है। 400 प्लस पद है, वो बहुत बड़ी वैकेंसी, 10 लाख लोगों को उम्मीद है उसमें अपने नंबर आने की, 10 लाख फॉर्म आ गए थे। ठीक है, क्योंकि इस बार तो बहुत ढेर वैकेंसी आई है, ये 300 ही आती थी, तो भाई 452 को उस तरह से लीजिए कि भाई वो पोस्ट भी सब इंस्पेक्टर की है। ठीक है, कमाई है कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वही जाने पहचाने हैं जिसको हम हर जगह पढ़ते आ रहे हैं। देखिए हमें इसमें उम्मीद क्यों है और उम्मीद क्यों नहीं होती, उम्मीद तब नहीं होती जब इसमें मान लो इंग्लिश मेरी वीक है, इंग्लिश आ गई, तो मुझे डर लगना चाहिए कि यार 452 में फिर तो नहीं हो पाएगा, मेरी इंग्लिश वालों से टक्कर है जो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, और वो मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो मेरा डर सच्चा है। लेकिन मुझे पता है कि भैया मैथ रीजनिंग मेरे बहुत स्ट्रांग है, और जीएस किसी की स्ट्रांग होती नहीं, और यही तीन चीज सब्जेक्ट इसमें आने हैं, और जब यही तीन सब्जेक्ट आने हैं तो मैं किसी से क्यों डरूं, मैं किसी से कम कहां हूं? अगर मैं तैयारी कर रहा हूं और कोई और भी तैयारी कर रहा है, वो भी तो इन्हीं तीन सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, मैं भी इन्हीं तीन को पढ़ रहा हूं, तो फिर मैं कम क्यों हूं? मैं क्यों ये मानूं कि मेरा नहीं आएगा, ये सोच के देखो। तो भैया मैथ्स में भी अर्थमेटिक ही है, ऐसा नहीं है कि एडवांस आ जाएगा, रीजनिंग सबकी सही हो ही जाती है, और जीएस भैया जहां से आप पढ़ रहे हो वहीं से कोई और भी पढ़ रहा है, जितना उसको मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा अगर आप दोनों अच्छे सोर्सेज से पढ़ते हैं। तो जीएस में कोई किसी को बहुत पीछे और बहुत आगे नहीं छोड़ पाता, सारा फर्क मैथ रीजनिंग का ही होता है, वो तो भाई आप स्ट्रॉन्ग करेंगी। ठीक है, तो वो मैं एक आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप सोचिएगा कभी भी ऐसी नौकरी को लेना है जहां कम वैकेंसीज हो, तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ये 4208 वैकेंसीज आरपीएफ के लिए अब आपको कम लग रही है, तो फिर आप तैयारी मत कीजिए, फिर किसी और को देखिए, किसी इंतजार करिए, जब 4 लाख वैकेंसी आएंगी तब तैयारी करेंगे। ठीक है, इंतजार उसका। हेलो दोस्तों, जैसा कि अंकित वाटसन ने अभी बताया कि वैकेंसी कम नहीं होती है, वो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप खुद ही देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट एसएसजीडी को लीजिए, एसएसजीडी में जो 50,000 प्लस वैकेंसी अभी जो है क्लियर हुई हैं, ठीक है, और जो अभी जो 26,000 के समथिंग वैकेंसी हैं, जिन स्टूडेंट का 50,000 में सिलेक्शन नहीं हुआ था वो 26,000 में हो जाएगा उनका, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे। ठीक है, तो वैकेंसी डिपेंड नहीं करती है, जिसका सिलेक्शन होना होता है उसका अगर 2,000 भी वैकेंसी आ जाए ना उसमें भी सिलेक्शन ले लेता है, तो वो सोच है आपकी। क्योंकि देखो अंकित वर्षन ने अभी बताया, अगर वैकेंसी 50,000 भी आ जाए ना आरपीएफ की, तब भी जिसका सिलेक्शन नहीं होना होगा तब भी नहीं होगा उसका, और जिसका होना है वो 4,000 में भी सिलेक्शन अपना ले जाएगा, तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। तो देखो जिस स्टूडेंट की अच्छी से तैयारी होती है वो सिलेक्शन ले लेता है, तो आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, वैकेंसी चेक कितनी भी सही।
आप सोच रहे हो कि वैकेंसी किसी दिन 1 लाख आएंगी तब सिलेक्शन होगा, तब वो सपना सपना ही रहेगा, 1 लाख वैकेंसी कभी आएंगी नहीं और आपकी सरकारी नौकरी कभी लगेगी नहीं। इससे तो अच्छा सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।